नमस्कार ओम शांति। देश भर की 100 खबरों के साथ मैं हूं पूजा। पेश है पीस न्यूज की खबरें सुपर फास्ट। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के अनाकपल्ले में मेरा भारत स्वच्छ भारत अभियान के तहत बीसी वेलफेयर हॉस्टल, एएमएल कॉलेज, गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल में कार्यक्रम का आयोजन। बी के सदस्यों ने बड़ी संख्या में युवाओं से स्वच्छ, स्वस्थ व नशा मुक्त बनने का किया आह्वान। ऐसे ही विशाखापट्टनम के केमिकल इंजीनियरिंग कॉलेज और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक तथा ईस्ट कोस्ट रेलवे डिपार्टमेंट में भी कार्यक्रम का हुआ आयोजन। बी के सदस्यों ने तनाव मुक्त जीवन व सकारात्मक जीवन शैली विषय पर की चर्चा। कोलकाता के बारानगर सेवा केंद्र के पुनर्निर्माण के उपलक्ष्य में कार्यक्रम। श्याम नगर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके कमला, स्थानीय सेवा केंद्र की प्रभारी बीके किरण, कृष्णा नगर सेवा केंद्र की बीके कंचन समेत कई वरिष्ठ सदस्यों ने सेवा केंद्र द्वारा की गई सेवाओं को सराहा तथा भविष्य के लिए भी दी शुभकामनाएं। उत्तराखंड के हल्द्वानी सेवा केंद्र द्वारा राजयोग शिविर का शकुंतलम बैंकेट हॉल में हुआ आयोजन। माउंट आबू से आए बीके रूपेश ने राजयोग के बताए लाभ। इसके साथ ही युवाओं के लिए सकारात्मक दिशा विषय पर आयोजित कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीलम व बीके रूपेश ने युवाओं को श्रेष्ठ व सकारात्मक संकल्पों के महत्व से कराया अवगत। मंडी समिति के पूर्व निदेशक पीएस कुटियाल समेत कई वरिष्ठ नागरिक रहे उपस्थित। ओडिशा के भवानीपटना में पत्रकारों के लिए प्रेस वार्ता का हुआ आयोजन। माउंट आबू से आए वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके भगवान ने संस्थान द्वारा की जा रही सेवाओं से सभी को अवगत कराते हुए समाज में मूल्यों की स्थापना करने पर दिया जोर। ईश्वरीय संदेश, नैतिक मूल्य तथा सकारात्मकता से तनाव मुक्ति विषय पर आधारित इस कार्यक्रम में नवरंगपुर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके नीलम, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके शशि समेत बड़ी संख्या में पत्रकार थे मौजूद। आगे टाउन हाई स्कूल में जीवन में नैतिक शिक्षा के महत्व विषय पर कार्यक्रम हुआ संपन्न। बीके भगवान ने विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए भौतिक शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा का होना बताया जरूरी। कार्यक्रम में प्राचार्य सुनंदा पात्रा, राजकीय जनरल हॉस्पिटल से बीके जयंती, बीके मानस, बीके मंडल भी थे उपस्थित। इसी तरह अनाथ आश्रम बाल गोपाल सेवा सदन में भी हुआ कार्यक्रम। चिल्ड्रन वेलफेयर ऑफिसर सत्य महापात्र, डिप्टी डायरेक्टर निर्मा किला काटर, प्रबंधक हेमंत मून समेत संस्थान के कई सदस्य भी मुख्य रूप से हुए शामिल। इस अवसर पर बच्चों द्वारा दी गई विभिन्न प्रस्तुतियों के बाद उन्हें भेंट किए गए उपहार। कार्यक्रम में बीके भगवान ने अपराध मुक्त समाज की स्थापना के लिए जीवन में मानवीय मूल्यों, नैतिक मूल्यों का होना बताया आवश्यक। ऐसे ही महिला सुधार गृह में कर्म की गुह्य गति से तनाव मुक्त विषय पर कार्यक्रम में बीके भगवान ने महिला कैदियों को राजयोग का अभ्यास करने की विधि बताते हुए अपने कर्मों पर विशेष रूप से ध्यान देने की कही बात। इस अवसर पर जेल की वार्डन जयश्री दास भी कार्यक्रम में थी मौजूद। इसी तरह जिला जेल में अपराध मुक्त जीवन से तनाव मुक्त जीवन विषय पर चर्चा। माउंट आबू से आए वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके भगवान ने संस्कारों को बदलने पर दिया जोर। जेल अधीक्षक कुंवर मरांडी, बीके जयंती समेत कई अतिथि थे मौजूद। इस दौरान स्थानीय सेवा केंद्र पर स्पिरिचुअल डिस्कोर्स ऑन सेल्फ मैनेजमेंट एंड लीडरशिप पर कार्यक्रम हुआ संपन्न। आगे दिव्य शक्ति भवन में इस वर्ष की थीम वैश्विक ज्ञानोदय द्वारा स्वर्णिम दुनिया की ओर विषय पर चर्चा। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट माउंट आबू से आए बीके भगवान, नवरंगपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीलम, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके शशि समेत अनेक वरिष्ठ सदस्य उपस्थित। वहीं भवानी पटना के कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में सकारात्मक विचारों से नैतिक मूल्य पर आयोजन। बीके भगवान ने युवा पीढ़ी को कुसंग और फैशन से बचने का किया आह्वान। ओडिशा में कटक के विश्व शांति सरोवर में स्व उन्नति के लिए विशेष कार्यक्रम में IFS के प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर देवव्रत स्वैन, फॉरेस्ट इंचार्ज अशोक मिश्रा, रेंजर पीके जैना, अहमदाबाद के अम्बावड़ी सेवा केंद्र प्रभारी बीके शारदा, कटक सब जोन प्रभारी बीके कमलेश ने कैंडल लाइटनिंग कर किया उद्घाटन। इस मौके पर बीके शारदा ने कहा कि दिव्य बुद्धि दाता ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, जिससे बुद्धि किसी भी देह व आकर्षण में फंस नहीं सकती। ऐसी हम निश्चय बुद्धि आत्मा, ब्रह्मा बाप समान है, अपने को दर्पण में देखो। तमिलनाडु के मदुरई में स्थित शक्ति सरोवर तपोवन रिट्रीट सेंटर में संस्थान से जुड़े सदस्यों के लिए विशेष रूप से राजयोग ध्यान के अंतर्गत कार्यक्रम में मुख्यालय माउंट आबू से युवा प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके आत्म प्रकाश,
मदुरई सब जोन डायरेक्टर बीके मीनाक्षी, मूल्य शिक्षा एवं आध्यात्मिकता पाठ्यक्रम के निदेशक बीके पांड्यामणि, गॉलीवुड स्टूडियो के तमिल डिपार्टमेंट के HOD बीके जय कुमार, मदुरई सब जोन की कोऑर्डिनेटर बीके उमा ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत। सेवा केंद्र से जुड़ी माताओं के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में बीके आत्म प्रकाश ने त्याग व तपस्या के इस मार्ग में परमात्मा को हर पल स्वयं के साथ अनुभव करने का किया आह्वान। वहीं युवा कुमारों को राजयोग के गहन अभ्यास द्वारा सोल कॉन्शियस स्टेज का कराया अनुभव। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में सदस्यों ने लिया भाग। हरियाणा में सिवानी मंडी के BDPO में ग्रामीण विकास के लिए तरुण विषय पर युवा स्वयं सेवकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम। स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके राजेंद्र, बीके निर्मल ने युवाओं के व्यक्तित्व और चरित्र को ऊंचा उठाने की कही बात। युवाओं से राजयोग का अभ्यास करने का भी किया गया आह्वान। मध्य प्रदेश के सहारनपुर में महादेव मित्र मंडल के द्वारा वालकेश्वर महादेव शिव मंदिर में कार्यक्रम आयोजित कर ब्रह्मा कुमारी को किया गया आमंत्रित। श्रावण मास के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में राजयोग शिक्षिका बीके प्रीति, बीके राजेंद्र सोनी ने मंडल के अध्यक्ष भूपेंद्र जोशी, सदस्य लक्ष्मीकांत, पत्रकार विनोद राठौर समेत मंडल के अनेक सदस्यों को श्रावण मास का महत्व बताते हुए भेंट की ईश्वरीय सौगात। गुजरात के पाटन स्थित भगिनी समाज की गोल्डन जुबली के अवसर पर ब्रह्मा कुमारी के स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीलम को विशेष तौर पर किया गया आमंत्रित। इस कार्यक्रम का भगिनी समाज की मंत्री यामिनी देसाई, पाटन के MLA किरीट पटेल, अधिवक्ता विपिन बारोट, महिला कॉलेज की प्रोफेसर लीला स्वामी ने किया शुभारंभ। मौके पर बीके नीलम ने भगिनी समाज की गोल्डन जुबली की भी शुभकामनाएं, साथ ही सभी से राजयोग को जीवन में धारण कर जीवन को श्रेष्ठ बनाने की भी की अपील। मध्य प्रदेश के बीजावर जेल में कैदियों के लिए विशेष रूप से कार्यक्रम हुआ आयोजित। मौके पर राजयोग शिक्षिका बीके प्रीति ने अपने विचारों को श्रेष्ठ बनाने पर दिया जोर, साथ ही जीवन में दिव्य गुणों के महत्व से भी सभी को कराया अवगत। इस अवसर पर बीके निर्जा, बीके छत्रसाल तथा बीके द्रौपदी ने जेलर सुनील शर्मा समेत मौजूद कैदियों को राखी बांधकर विकारों से स्वयं की रक्षा करने का कराया संकल्प। ऐसे ही छतरपुर सेवा केंद्र द्वारा रक्षाबंधन पर निःशक्त आवासीय विद्यालय प्रगतिशील विकलांग संसार, शासकीय अनुसूचित जाति जूनियर कन्या छात्रावास एवं बालक छात्रावास में कार्यक्रम। बीके रमा एवं बीके कल्पना समेत अनेक सदस्यों ने बांधी राखी। आगे राजस्थान के श्रीगंगानगर सेवा केंद्र द्वारा अनाथों के लिए बने विवेक आश्रम में आयोजन। बीके ऊषा ने रक्षाबंधन का रहस्य बताते हुए पावनता की बांधी राखी, परमात्मा के छत्र छाया में रहकर स्वयं को सुरक्षित बनाने का आह्वान। वहीं इस पर्व पर हरियाणा के सोनीपत में सेक्टर 15 सेवा केंद्र द्वारा विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट स्पेशल होम में कार्यक्रम। सिक्योरिटी इंचार्ज रणबीर गहलावत तथा वहां के सभी स्टाफ मेंबर्स को बीके सुनीता ने रक्षा सूत्र बांधकर एक बुराई छोड़ने की कराई प्रतिज्ञा। इसके साथ ही डिप्टी कमिश्नर विनय सिंह, सोनीपत के CID इंस्पेक्टर इंदरपाल को राखी बांधकर दिया ईश्वरीय संदेश। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के साहिबाबाद में विधायक सुनील शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नलिन सिंघल समेत अनेक पुलिस अधिकारियों को झंडापुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके विद्या ने राखी बांधकर गुणों को धारण करने का कराया संकल्प। राजस्थान के स्वरूपगंज में स्थानीय उप सेवा केंद्र प्रभारी बीके भावना ने राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य एवं शिक्षकों को पवित्रता एवं भाईचारे का प्रतीक रक्षा सूत्र बांधकर माउंट आबू आने का दिया निमंत्रण। राजकोट के रविरत्ना पार्क सेवा केंद्र द्वारा संतोषी स्कूल में कार्यक्रम। प्राचार्य कांति सिनोजिया, राजयोग शिक्षिका बीके गीता, बीके डिंपल समेत अनेक सदस्य मौजूद। बीके गीता ने बच्चों से मूल्यों को धारण करने का संकल्प कराते हुए बांधी राखी। इस अवसर पर कई बच्चों ने लिया हिस्सा। देव में CISF के असिस्टेंट कमांडेंट AK सिन्हा, डिप्टी SP विपुल अनेकांत से स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता ने की मुलाकात। रक्षा सूत्र बांधकर पावनता का दिया संदेश। गुजरात के महसाना सेवा केंद्र में 120 बीके बहनों के लिए अलौकिक रक्षाबंधन कार्यक्रम। सेवा केंद्र प्रभारी और ग्राम विकास प्रभाग की अध्यक्षा बीके सल्ला ने कहा कि पवित्रता के बंधन की याद दिलाती है राखी और पवित्रता ही हमारे ब्राह्मण जीवन का है फाउंडेशन। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर पंजाब के पठानकोट सेवा केंद्र पर भी आयोजन। सेवा केंद्र प्रभारी बीके सत्या ने राखी बांधकर पवित्रता का बताया महत्व। कर्नल रविशंकर समेत कई गणमान्य नागरिक हुए मौजूद।
ओडिशा के भद्रक में दादी प्रकाशमणि जी की पुण्यतिथि और रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन। मुख्य अतिथि एडीएम श्याम भक्त मिश्रा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू समेत कई सदस्य उपस्थित। अतिथियों को भेंट की गई ईश्वरीय सौगात। पश्चिम बंगाल की कुछ बिहार जेल में रक्षाबंधन का मनाया गया उत्सव। बीके संपा ने पर्व का आध्यात्मिक रहस्य बताते हुए दी शुभकामनाएं। जेल अधीक्षक स्वप्न राय समेत कई कैदी रहे उपस्थित। भुवनेश्वर के सीआईएफए में राखी के उपलक्ष्य में कार्यक्रम। माउंट आबू से आई वरिष्ठ राजक शिक्षिका बीके डॉक्टर सविता ने सीआईएफए के डायरेक्टर डॉक्टर बिंदु आर पल्लई समेत अन्य कर्मचारियों को तनाव से मुक्त रहने की कला बताते हुए बांधी राखी। दिल्ली के कृष्णा नगर सेवा केंद्र में भी धूमधाम से मनाया गया राखी का त्यौहार। विधायक एस के बग्गा, आर्किटेक्ट दिलबाग सिंह, वरिष्ठ राजक शिक्षिका बी के अनु, वरिष्ठ राजक प्रशिक्षक बी के जगरूप, महिपालपुर सेवा केंद्र प्रभारी बी के अनुसुईया ने सभी को आध्यात्मिक रीति से इस पर्व को मनाने का किया आह्वान। फरीदाबाद के एनआईटी सेवा केंद्र द्वारा मनाए गए रक्षाबंधन पर एसपी विष्णु दयाल ने संस्थान के कार्यों को सराहा। सेवा केंद्र प्रभारी बी के उषा, राजक शिक्षिका बी के प्रिया ने संबंधों में समरसता लाने पर दिया जोर। राजस्थान में नागौर के पर्वतसर सेवा केंद्र में संस्थान की बीके बहनों ने बांधी राखी। जयपुर से आए बीके महेश ने संस्था की गतिविधियों से कराया अवगत। सेवा केंद्र प्रभारी बीके सानो ने बुराइयों व विकारों से बंधन मुक्त बनने का किया आह्वान। पालिका अध्यक्ष मीना व्यास समेत कई विशिष्ट लोगों को बताया पर्व का महत्व। दिल्ली के नरेला मंडी सेवा केंद्र द्वारा श्री राम कुटीर मंदिर में मनाई गई राखी। निगम पार्षद सरिता नरेश खत्री, सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गा, बीके रुक्मणी, बीके मीना समेत कई अन्य सदस्य मौजूद। रक्षाबंधन पर नई दिल्ली के पहाड़गंज सेवा केंद्र पर भी कार्यक्रम। सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति, नोएडा सेक्टर 26 सेवा केंद्र की वरिष्ठ राजक शिक्षिका बीके सुदेश ने विशेषताओं व गुणों को देखने की दी प्रेरणा। बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की दी प्रस्तुति। वहीं बीके सदस्यों ने विधायक विशेष राव, एसीपी संजीव गुप्ता, डीसीपी एमएस रंदावा समेत अनेक लोगों को बांधा रक्षा सूत्र। दिल्ली में इंडियन आर्मी के विमेन वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा कार्यक्रम का हुआ आयोजन। आरके पुरम सेवा केंद्र की प्रभारी बीके अनीता और बीके ज्योति ने तनाव से मुक्त बनने की बताई युक्ति। एफडब्ल्यूओ के डायरेक्टर फरा शेरिफ ने बीके बहनों को आर्मी ट्रॉफी भेंट कर किया सम्मानित। राखी बांधकर बीके बहनों ने दी शुभकामनाएं। वहीं दिल्ली इंडियन आर्मी में आर्मी अधिकारियों व जवानों के लिए तनाव और क्रोध मुक्त जीवन विषय पर चर्चा करने के लिए आयोजन। आरकेपुरम सेवा केंद्र की राजक शिक्षिका बीके ज्योति ने राजो का बताया महत्व। सेवा केंद्र प्रभारी बीके अनीता ने मेजर प्रद्युमन कुमार अग्निहोत्री को बांधी राखी। फरीदाबाद के सेक्टर 46 सेवा केंद्र पर नेचुरल लाइफस्टाइल विषय पर चर्चा करने के लिए कार्यक्रम हुआ आयोजित। इस मौके पर गुलशन सातीजा ने विषय पर प्रकाश डाला और सेवा केंद्र प्रभारी बीके मधु ने राजो का महत्व बताते हुए दिनचर्या में शामिल करने का किया आह्वान। चंडीगढ़ के धनास सेवा केंद्र की प्रभारी बीके लाज और वरिष्ठ राजक शिक्षिका बीके परमजीत ने एसडीओ एमसी राम सिंह, पुलिस इंस्पेक्टर मल्ले, आईआरबी पुलिस इंस्पेक्टर सुरजीत सिंह को बांधी पावनता की राखी। सेवा केंद्र पर भी रक्षाबंधन पर आयोजन। पूर्व रेलवे मंत्री पवन बंसल, पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर प्रमोद समेत अनेक लोगों को बुराइयों को छोड़ने की अपील करते हुए बांधी गई राखी। इसी तरह धूरी सेवा केंद्र प्रभारी बीके मूर्ति और बीके सुनीता ने डीएसपी ऑफिस में डीएसपी आकाशदीप सिंह, एसएचओ और पूरे स्टाफ को राखी का आध्यात्मिक रहस्य बताते हुए बांधा रक्षा सूत्र। कैम्ब्रिज स्कूल के प्राचार्य ब्रिजेश सक्सेना, मीनाक्षी सक्सेना समेत स्कूल के पूरे स्टाफ को भी बांधी गई राखी। ओमकार एग्रीकल्चरल वर्क्स के डायरेक्टर और बाबा विश्वकर्मा मंदिर के अध्यक्ष हर्षदीप सिंह को राखी बांधकर दी पर्व की शुभकामनाएं। जम्मू के कठुआ सेवा केंद्र द्वारा जिला जेल में रक्षाबंधन का मनाया पर्व। जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट सुरेंद्र सिंह को सेवा केंद्र प्रभारी बीके वीना ने आत्मिक स्मृति का तिलक लगाते हुए बांधी राखी। कैदियों से अच्छे गुणों को धारण करने का किया आह्वान। राजकोट के पंचशील सेवा केंद्र पर कुमार, कुमारिया, टीचर्स व युगलों के लिए विशेष रक्षाबंधन कार्यक्रम का हुआ आयोजन। राजकोट के सब जोन प्रभारी बीके भारती, रविरत्ना पार्क सेवा केंद्र की प्रभारी बीके नलिनी समेत अनेक वरिष्ठ सदस्यों ने पर्व की शुभकामनाएं देते हुए पावनता का प्रतीक रक्षा सूत्र बांधा। आसपास के अनेक सेवा केंद्र की बीके बहनें हुई मौजूद।
यूपी के वाराणसी स्थित भोजूवीर में रोटरी क्लब एवं ब्रह्मा कुमारीज के संयुक्त तत्वाधान में शहर के चौका घाटा और ग्राम गणेशपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय में राखी का कार्यक्रम हुआ संपन्न। स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके वंदना ने अपने संबोधन में बच्चों को स्वच्छता के साथ जीवन में सफलता प्राप्त करने के बताए उपाय। इस दौरान बच्चों को राखी बांधकर बीके बहनों ने दी बधाई। चंडीगढ़ के सेक्टर 46 में भारतीय आदर्श स्कूल में स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके पूनम ने स्कूल के संस्थापक विजय जिंदल, प्राचार्य ममता जिंदल समेत समस्त स्टाफ और बच्चों को बांधी गई राखी, साथ ही परमात्मा अवतरण का भी दिया संदेश। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के गंगोह में स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके संतोष ने गीता ज्ञान संस्कार एकेडमी स्कूल में रक्षाबंधन का महत्व बताते हुए राखी को पवित्रता और स्नेह का बताया प्रतीक। इस मौके पर स्कूल के प्रधानाचार्य संजय कुमार गुप्ता ने संस्थान के कार्यों के लिए माना आभार। दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक विजेंद्र गर्ग को इंद्रपुरी सेंटर के इंचार्ज बीके बाला, बीके अभिनव ने बांधी राखी, साथ ही परमात्मा का संदेश देते हुए भेंट की ईश्वरीय सौगात। इस दौरान विधायक विजेंद्र गर्ग ने संस्थान के कार्यों का किया वर्णन, साथ ही पूर्ण सहयोग देने का दिया आश्वासन। आगे जिला खरगोन में कसरा वध सेवा केंद्र की बीके बहनों ने उप जेल में कैदी भाइयों को परमात्मा की याद दिलाते हुए बांधी राखी तथा पवित्रता के मार्ग पर चलने का दिलाया संकल्प। मौके पर जेलर जसवंत डावर, स्थानीय सेवा केंद्र की संचालिका बीके भावना थी मुख्य रूप से मौजूद। दिल्ली के पहाड़गंज स्थित शिव शक्ति भवन सेवा केंद्र पर रक्षाबंधन के साथ स्व सशक्तिकरण पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके वर्षा एवं राजक शिक्षिका बीके ज्योति और बीके किरण ने बताया राखी पर्व का आध्यात्मिक अर्थ। इस मौके पर पहाड़गंज की निगम पार्षद बबीता बरीचा, सीआरपीएफ कमांडेंट आरयू शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता अश्विनी, बीएसएनएल कॉर्पोरेट ऑफिस के डीजीएम देवेंद्र समेत कई गणमान्य अतिथि रहे मौजूद। मध्य प्रदेश में विदिशा के होमगार्ड ऑफिस में रक्षाबंधन का कार्यक्रम हुआ आयोजन। होमगार्ड डिस्ट्रिक्ट कमांडर डॉक्टर राजेश वर्मा को स्थानीय सेवा केंद्र की राजक शिक्षिका बीके रेखा, बीके रुक्मणी ने बांधी राखी। मौजूद 100 पुलिस कर्मियों से बुराइयों को छोड़ने की कराई प्रतिज्ञा। आगे सिविल लाइन थाना विदिशा में भी कार्यक्रम हुआ संपन्न। थाना प्रभारी टीई चौकसे झा समेत पूरे स्टाफ के पुलिस कर्मियों को बीके बहनों ने बांधी राखी। वहीं विदिशा रेलवे स्टेशन मास्टर राजेश श्रीवास्तव को भी बांधा गया रक्षा सूत्र। इसी कड़ी में विदिशा जेल में भी आयोजित कार्यक्रम में जेल प्रभारी राकेश शर्मा समेत उपस्थित सभी कैदियों को राखी त्योहार का बताया महत्व, अपनी कमी कमजोरियों को छोड़ने की दी सलाह। हरियाणा के सोनीपत स्थित सेक्टर 15 से बीके प्रमोद एवं बीके सुनीता ने शहर की कई गणमान्य अतिथियों को बांधा रक्षा सूत्र। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट प्रशांत पवार, एडीसी मंदीप कौर, पुलिस में एडिशनल सुपरिटेंडेंट राजीव देसवाल को दिया ईश्वरीय संदेश। वहीं आगे ब्लॉक डेवलपमेंट और पंचायत अफसर नरेंद्र धनखड़, पुलिस के डिप्टी सुपरिटेंडेंट मुकेश कुमार, तहसीलदार जय भगवान वत्स को भी बांधी गई राखी, साथ ही राजयोग सीखने के लिए सेवा केंद्र पर किया आमंत्रित। सोनीपत लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हरियाणा से 16वीं लोकसभा में संसद के सदस्य रमेश कौशिक के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जैन को भी बीके सुनीता ने राखी बांधकर पर्व का बताया आध्यात्मिक रहस्य। सिविल अस्पताल सोनीपत के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जे एस पूनिया, प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सी पी अरोड़ा, जीएसटी सलाहकार अधिवक्ता एस के जैन, हरियाणा अर्बन विकास प्राधिकरण के एसडीओ देवेंद्र मलिक, टाउन प्लानर धीरेंद्र सिंह को भी बांधा रक्षा सूत्र। इसी क्रम में स्टेट ऑफिसर विजय सिंह राठी, सिविल हॉस्पिटल से डॉक्टर तलहान, डॉक्टर दिनेश गुप्ता, डॉक्टर उषा बंसल, गेटवे एजुकेशन के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन राकेश अग्रवाल, गेटवे एजुकेशन की आर्किटेक्ट लेक्चरार नीतू, सेक्टर 15 पुलिस सब इंस्पेक्टर जयप्रकाश, रेलवे स्टेशन मास्टर मनोज को भी दिया गया ईश्वरीय संदेश। हरियाणा के सिरसा में मंदबुद्धि बच्चों और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए समर्पित समाज सेवी संस्था दिशा में शांति सरोवर की प्रभारी बीके बिंदु ने बच्चों सहित पूरे स्टाफ को बांधा रक्षा सूत्र। दिशा संस्था की निदेशिका गीता कथूरिया एवं पल पल समाचार पत्र के मुख्य संपादक एवं दिशा संस्था के सचिव सुरेंद्र भाटिया रहे मौजूद। इस मौके पर पल पल समाचार पत्र के न्यूज चैनल द्वारा बीके बिंदु का लिया गया इंटरव्यू। रक्षाबंधन पर्व के आध्यात्मिक रहस्यों से बीके बिंदु ने कराया अवगत। ऐसे तो बहन भाई को राखी बांधती है और भाई से रक्षा की कामना करती है और उससे वायदा लेती है,
लेकिन हम सब बहनों को कहना चाहेंगे कि वो अपने भाई से एक सीमित संकल्प ना लें, वो अपने भाई से यह संकल्प जरूर लें कि विश्व की हर नारी को वो बहन की दृष्टि से देखेगा। आगे स्थानीय सेवा केंद्र शांति सरोवर एवं ग्रामीण एरिया में चलने वाली गीता पाठशालाओं पर भी सेवा केंद्र से जुड़े बी के सदस्यों के लिए आयोजित हुआ कार्यक्रम। व्यस्त जीवन में से समय निकालकर राजयोग अभ्यास कर कमजोरियों से निजात दिलाने के सुझाए उपाय बी के बिंदु ने सभी को बांधी राखी। रक्षाबंधन पर्व पर दिल्ली के सारथी चैनल में पश्चिम विहार A3 की सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुषमा और बीके रमेश ने पर्व का बताया आध्यात्मिक रहस्य, साथ ही सभी से श्रेष्ठ पत्रकारिता करने का संकल्प कराते हुए बांधी राखी। इस मौके पर CMD कैलाश बंसल, सारथी चैनल के डायरेक्टर RP सिंह समेत कई मीडिया कर्मी रहे मौजूद। इसी तरह दिल्ली के राधे कृष्ण मंदिर में भी मनाया गया राखी का त्योहार। पश्चिम विहार A3 सेवा केंद्र की प्रभारी बीके सुषमा, बीके रमेश और बीके सरिता ने आत्मस्मृति में रहे परमात्मा को याद करने का किया आह्वान, साथ ही सभी को बांधा रक्षा सूत्र। राजस्थान में अलवर के तिजारा फाटक सेवा केंद्र में सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुशीला और बीके ममता ने सभी सदस्यों को राखी बांध कर दी शुभकामनाएं। आगे राजस्थान के उदयपुर सेवा केंद्र पर राखी के पावन पर्व के उपलक्ष में MPAUT के वाइस चांसलर उमा शंकर शर्मा, महापौर चंदेर सिंह कोठारी ने की शिरकत। सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीटा ने राखी पर्व के पीछे छिपे गुहे रहस्यों को बताते हुए सही अर्थों में मनाने का किया आह्वान। बिहार के कटिहार सेवा केंद्र पर भी राखी पर्व की धूम। सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता ने परमात्मा का सत्य परिचय देते हुए सभी को बांधी राखी। मध्य प्रदेश के बड़वानी में जिला पुलिस अधीक्षक विजय खत्री को बीके लीला और बीके मीना ने दिया ईश्वरीय संदेश, राखी बांध कर दी बधाई। हरियाणा के कादमा में माउंट आबू से ज्ञानामृत पत्रिका की सह संपादिका बीके उर्मिला, सेवा केंद्र प्रभारी बीके वसुधा ने सिटी मजिस्ट्रेट मनीष फोगाट व महावीर फोगाट को बांधी राखी। वहीं बादला के विधायक सुखविंदर सिंह मांढी को बीके वसुधा ने बांधी राखी तथा विधायक ने कहा कि ब्रह्म कुमारी बहनें समाज के निस्वार्थ भाव से करती हैं सेवा, वास्तव में रक्षा होती ही है आध्यात्मिकता से। पंजाब के पठानकोट सेवा केंद्र की ओर से जिला जेल में 250 कैदियों व स्टाफ को जेल अधीक्षक बलविंदर सिंह की अध्यक्षता में केंद्र संचालिका बीके सत्या ने बांधी राखी। जेल अधीक्षक ने पूरे कार्यक्रम को सराहा। हरियाणा के तुषाम सेवा केंद्र पर भी राखी का मनाया त्योहार। सब डिविजनल ज्यूडिकल मजिस्ट्रेट सौरभ गुप्ता, अमर उजाला जर्नलिस्ट वीरेंद्र सिंह, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू की उपस्थिति में कार्यक्रम हुआ संपन्न। हरियाणा के कुरुक्षेत्र सेवा केंद्र पर भी राखी की धूम। सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरोज और राजयोग शिक्षिका बीके राधा ने आत्मस्मृति का तिलक लगाते हुए बांधा रक्षा सूत्र। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात जवानों व अफसरों को पठानकोट सेवा केंद्र की प्रभारी बीके सत्या समेत अन्य बीके बहनों ने राखी बांध कर दिया ईश्वरीय संदेश। कमांडर सलविंदर सिंह, असिस्टेंट कमांडर इंद्रजीत, रवि प्रकाश समेत कई ऑफिसर रहे मौजूद, अधिकारियों को दी ईश्वरीय सौगात। यूपी के चांदपुर पुलिस थाने में स्थानीय सेवा केंद्र की बीके साधना ने थाने के CEO SHO को बांधी राखी। मौजूद पुलिस कर्मियों को बताया पर्व का आध्यात्मिक रहस्य, विकारों से स्वयं की रक्षा का आह्वान। मध्य प्रदेश में खरगोन के अन्नपूर्णा नगर में जिले की प्रभारी बीके किरण ने बीके सदस्यों को तिलक लगाकर बांधा रक्षा सूत्र। इस दौरान शहर के जिला कलेक्टर शशि भूषण सिंह, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सुभाष सोलंकी समेत अन्य कई विशिष्ट लोगों को भी राखी बांधकर दिया ईश्वरीय संदेश। इसी तरह मंडलेश्वर उप जेल में भी बीके बहनों के द्वारा कैदियों को बांधा गया रक्षा सूत्र। पावनता के प्रतीक रक्षाबंधन पर्व पर सभी को बधाई देने के साथ साथ परमात्मा का भी दिया सत्य परिचय। मौके पर बीके मंगला ने थाना प्रभारी RD कानवा एवं अन्य स्टाफ को भी बांधी राखी। यूपी कानपुर की प्रसिद्ध संस्थान IIT के सिक्योरिटी गार्ड्स को कल्याणपुर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके उमा ने रक्षाबंधन का आध्यात्मिक अर्थ बताते हुए बांधा रक्षा सूत्र। मौके पर अवधपुरी सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीलम, बीके ज्योति, बीके शांति रही मौजूद। पंजाब के धूरी में स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा बार एसोसिएशन में मना धूमधाम से राखी का त्योहार। सेवा केंद्र प्रभारी बीके मूर्ति और बीके सुनीता ने बांधी पवित्रता की प्रतीक राखी। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अमनदीप सिंह, उपाध्यक्ष रमनदीप सिंह भी थे मौजूद। बीके मूर्ति ने राखी, तिलक और मुख मीठा कराने का बताया आध्यात्मिक अर्थ। इसी क्रम में सेवा केंद्र पर भी कार्यक्रम।
शहर के कई प्रतिष्ठित लोगों समेत संस्थान से जुड़े लोगों को बीके मूर्ति ने जीवन में पवित्रता का महत्व बताते हुए बांधी राखी। यूपी के बड़ौत में सिंडिकेट बैंक की शाखा प्रबंधिका हरेंद्र कौर, नगरपालिका अध्यक्ष अमित राणा और एसएचओ बीएस सिरोही समेत कई डॉक्टर्स को सेवा केंद्र प्रभारी बीके मोहिनी, बीके प्रवेश, बीके सीमा ने बांधा रक्षा सूत्र और साथ ही भेंट की ईश्वरीय सौगात। राजस्थान के भरतपुर सेवा केंद्र पर राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि जी की 11वीं पुण्य स्मृति दिवस पर मनाया गया विश्व बंधुत्व दिवस। मौके पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेंद्र चौधरी, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ऋषि पाल तिवारी, महापौर शिव सिंह भौंड, एडवोकेट राकेश सिंह, सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता, वैर उप सेवा केंद्र प्रभारी बीके संतोष, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके बबीता समेत सेवा केंद्र से जुड़े अनेक लोगों ने परमात्मा की स्मृति में श्रद्धा पूर्वक दी श्रद्धांजलि तथा दादी जी के प्रभावशाली व्यक्तित्व पर भी डाला प्रकाश। नारी के अंदर भी चेतना है और पुरुष के अंदर भी चेतना है, और चेतना को ही आध्यात्मिक क्षेत्र में आत्मा कहा जाता है। जब आत्मिक चिंतन, आत्मिक दृष्टिकोण, आत्मिक कर्मों को कर्मेंद्रिय से, आत्मिक भाव से कर्म को किया जाता है, तभी सृष्टि पर आत्मवत सर्वभूतेषु जो हमारी संस्कृति की एक मूल अवधारणा है उसकी धारणा होती है, और आदरणीय दादी जी ने इस धारणा को जीवंत किया। दादी जी का मुरली से जो ईश्वरीय महावाक्य हमारे होते हैं, दादी जी का मुरली से बहुत प्यार था। हम सभी जानते हैं अंतिम क्षणों तक भी दादी जी ने कम से कम 8 बार मुरली पढ़ना नहीं छोड़ा। हरियाणा के तोशाम सेवा केंद्र द्वारा संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू ने दादी जी की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहा कि रूहानी व्यक्तित्व और नर्सिंग प्रतिभा की धनी थी दादी प्रकाश मणि। मध्य प्रदेश के मंदसौर सेवा केंद्र में भी विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में मनाई गई दादी प्रकाश मणि जी की 11वीं पुण्यतिथि। सेवा केंद्र प्रभारी बीके समीता ने कहा कि उन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के बाद कर्मठता और कुशलता के साथ किया था संस्था का संचालन। अंत में सभी ने दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ सेवा केंद्र में सेवा केंद्र प्रभारी बीके आशा ने दादी जी के विशाल व्यक्तित्व पर डाला प्रकाश। दूध डेयरी के चेयरमैन बद्रीलाल जाट समेत उपस्थित सभी बीके सदस्यों ने अर्पित किए पुष्प। आगे पंजाब के अबोहर में भी दादी प्रकाश मणि जी के स्मृति दिवस पर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विमल थटाई, पूर्व आयकर अधिकारी बलराम सिंगला, लेखक परिषद के अध्यक्ष राज सदोष, सेवा केंद्र प्रभारी बीके पुष्पलता, बीके सुनीता, बीके दर्शना समेत अनेक विशिष्ट लोगों ने दादी जी के जीवन से ली प्रेरणा। वहीं छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में भी सेवा केंद्र प्रभारी बीके विद्या ने दादी जी के साथ बिताए पलों को सभी के साथ किया साझा। मुख्य अतिथि पार्षद आलोक दुबे, राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित ओपी अग्रवाल समेत सभी अतिथियों और सदस्यों ने पुष्पांजलि अर्पित कर दादी जी की विशेषताओं को जीवन में धारण करने का लिया संकल्प। मध्य प्रदेश के राजगढ़ सेवा केंद्र पर विश्व बंधुत्व दिवस के उपलक्ष्य में कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी अखिलेश श्रीवास्तव, पूर्व बैंक मैनेजर शिवनारायण नामदेव, अधिवक्ता शाहिदा कुरेशी, राजगढ़ सेवा केंद्र प्रभारी बीके मधु ने रखे अपने विचार। अतिथियों को भेंट की गई ईश्वरीय सौगात। दादी के नाम के साथ दादी जी की सेवा जुड़ी हुई है। दादी जी का नाम है प्रकाश मणि दादी, क्योंकि उन्होंने विश्व को प्रकाशित किया और विश्व में ज्ञान फैलाया। जैसे नामदेव जी ने भी बताया हमें कि 137 देशों में उन्होंने ज्ञान का प्रकाश फैलाया। इसी उपलक्ष्य में रतलाम में भी हुआ कार्यक्रम। नजरबाग कॉलोनी सेवा केंद्र पर संचालिका बीके सीमा ने कहा कि दादी जी ममता और स्नेह की साक्षात मूर्त थी और उनके बोल थे वरदानी। अंत में सभी ने दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। चंडीगढ़ के धनास सेवा केंद्र पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके लाल, सेवा केंद्र से जुड़े अनेक लोगों ने विश्व बंधुत्व दिवस पर किया राजो का अभ्यास, दादी जी को अर्पित किए पुष्प। दादी प्रकाश मणि जी के पुण्य स्मृति दिवस पर छत्तीसगढ़ के कोरबा सेवा केंद्र प्रभारी बीके रुकमणि, इंजीनियर कमल करमारकर, अक्षय हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर केसी देवनाथ, बीके सारिका ने दादी जी के सत्कर्मों को याद करते हुए अपने अनुभवों को किया साझा, श्रद्धा सुमन भी किए अर्पित। दादी ने भी इतना सबको निस्वार्थ प्यार, निचल प्यार और
शिक्षाओं की प्रैक्टिकल करके लिखा है, जो एक नामी और इको नामी। उधर नेपाल के बुटवल में भी दादी जी के स्मृति दिवस पर उप महापौर गुमा देवी आचार्य, सेवा केंद्र प्रभारी बीके कमला और बीके नारायण ने जाहिर किए अपने विचार। महाराष्ट्र के बार्शी सेवा केंद्र पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके संगीता ने दादी जी की विशेषताओं पर डाला प्रकाश। कहा, कई धर्म नेता, राजनेता एवं समाज के हर वर्ग के लोगों ने दादी जी को माँ का दिया दर्जा। ऐसे ही कोलकाता म्यूजियम सेवा केंद्र पर विश्व बंधुत्व दिवस के उपलक्ष्य में सेवा केंद्र प्रभारी बीके कानन समेत सभी सदस्यों ने प्रभु स्मृति में दादी प्रकाशमणि जी को दी श्रद्धांजलि। लुधियाना के विश्व शांति सदन में भी दादी प्रकाशमणि जी के पुण्य स्मृति दिवस पर सिविल लाइन सेवा केंद्र प्रभारी बीके राज, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरस ने दादी जी की असीमित महिमा का किया वर्णन। सभी सदस्यों ने दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। देश और दुनिया के 100 खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।